टुकड़े टुकड़े गैंग है जो इस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को बदनाम करने की साजिश ना करें, अन्यथा परिणाम दुष्कारी होंगे। ये सच है, लेकिन जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं जो इस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से 26 जनवरी की घटना घटे पूरी तरह का अपमान करने की कोशिश की, ये सब जितने भी करनी महाराज मजबूत था, है और रहेगा। और इसलिए कृपा करें भारत की तरफ या भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराब एवं नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उमा भारती पार्टी की सम्माननीय नेता हैं, उनका अभियान सामाजिक है, जन चेतना का है। आपको बता दें कि उमा भारती ने के इस ऐलान से शिवराज सरकार की चिंता बढ़ना तय है। आपको बता दें कि सरकार वर्ष 2021-22 के लिए जल्द ही नई शराब नीति लागू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में सियासत गर्म आ गई है। तो उमा जी हमारी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, देश की और मध्य प्रदेश की वो हम सबकी नेता हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया है